हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करियर इन फैशन फोटोग्राफी। कुछ दिन पहले हमने एक एपिसोड अपलोड किया था, आपने देखा होगा, जिसमें हमने बताया था हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर, जहां हमने 5 मेजर टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। उस एपिसोड का हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और काफ़ी लोगों ने हमें कॉल किए हैं। तो आज हम कुछ सवाल जो हमें उन्होंने हमसे पूछे हैं, आज हम उनका जवाब देंगे। मुझे पहला सवाल पूछा गया है, ये राजस्थान से मुझे किसी ने फ़ोन किया था और वहाँ से मुझे उन्होंने एक पहला सवाल पूछा जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने पूछा है कि सर, मैं फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और इस करियर को मैं फुल टाइम लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरह का काम करना होगा। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इफ़ आई टेक अप फैशन फोटोग्राफी एज अ फुल टाइम करियर, सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई एम सपोज टू डू। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों ने हमसे पहले भी ये पूछा है। तो देखिए, मैंने उस एपिसोड में भी आपको कुछ बताया था आप किस किस तरह का काम कर सकते हैं, तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर आप फुल टाइम फैशन फोटोग्राफर हैं तो आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं, आप एक्टिंग पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं, आप फैशन के जो असाइनमेंट्स हैं, फैशन कैंपेन्स होते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की हों, या आपने देखा होगा क्लोदिंग कैंपेन्स हैं, या आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ज्वेलरी के, आपने देखा होगा, कैंपेन्स हैं, वो आप शूट कर सकते हैं। उसके अलावा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, एडिटोरियल वर्क है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एक बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आज इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा, आज हम बात करते हैं सबसे पहले एक पोर्टफोलियो शूट्स के बारे में। आपने देखा होगा कि जब आप टेलीविज़न खोलते हैं, या आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, या आप कोई आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तो आप काफ़ी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखते हैं कैंपेन्स की, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि हर एज ग्रुप के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, चाहे वो 5 महीने का छोटा बच्चा हो, या 60-year-old मैन हो, या फिर एक यंग 18-23 एज ग्रुप के बॉयज़ एंड गर्ल्स हो। आप देखेंगे हर एज ग्रुप का आपको वहाँ पे मॉडलिंग करता हुआ मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा एज ग्रुप होता है जिनको मॉडलिंग करनी होती है या एक्टर बनना होता है, उन सबको एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर की हमेशा तलाश होती है, ताकि उनके साथ वो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके। सो ये काफ़ी बड़ा फील्ड है, अगर आप एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर हैं तो आप ये सारा काम आप उनके लिए कर सकते हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं एस्पायरिंग मॉडल्स के लिए, एक्टर्स के लिए। तो काफ़ी बड़ी एक फील्ड है अपने आप में ये। पोर्टफोलियो के बाद हम चलते हैं ब्यूटी एंड हेयर की तरफ। देखिए, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, या ब्यूटी सोप हो, या फिर लिपस्टिक हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, ये सब भी फैशन फोटोग्राफर्स ही शूट करते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जो इन कैंपेन्स को डिज़ाइन करती हैं, और वो हमेशा टैलेंटेड फैशन फोटोग्राफर की सर्च में रहती हैं कि कोई भी उनको एक अच्छा ऐसा फोटोग्राफर मिले जो इस तरह के कैंपेन को अच्छे से शूट कर सकता हो। सो ये भी चीज़ आपके एक प्रोफाइल में आती है, आपके वर्क एरिया में आती है। अगर आप एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर हैं तो आपको इस तरह के असाइनमेंट्स को शूट करना आना चाहिए। तो ये काम भी आप बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे अपनी तीसरी कैटेगरी यानी कि फैशन की तरफ। अब जब हम फैशन की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड है फैशन। इसमें चाहे हम आपके क्लोदिंग ब्रांड्स हों, या अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर्स हों, या एस्टैब्लिश फैशन डिज़ाइनर्स हैं, इन सभी को अपने कैटलॉग्स को शूट कराने की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम वो लोग अपने कैटलॉग्स या अपने डिज़ाइंस को अपडेट करते रहते हैं। उन्हें हमेशा एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर की तलाश होती है, ताकि वो उनके कैटलॉग्स को, या उनके ब्रोशर्स को, या उनकी वेबसाइट को, जहाँ भी वो अपने नए डिज़ाइंस को अपडेट कर रहे हों, वो उनके लिए अच्छे से डिज़ाइन कर सके और उन्हें मॉडल्स के साथ शूट कर सके। तो ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। चाहे आपने देखा होगा अमेज़न देखा होगा, आपने फ्लिपकार्ट है, या आपने बहुत सारे फैशन पोर्टल्स देखे होंगे जहाँ पे इस तरह के आपने इमेजेस देखे होंगे जो मॉडल्स हैं अच्छे क्लोदिंग के साथ में, एक्सेसरीज के साथ में, वेदर इट्स बेल्ट, ग्लासेस, शूज़ एक्सेट्रा, आप देखे होंगे काफ़ी सारी बहुत बड़ी रेंज है ये। तो ये सारा भी एक फैशन फोटोग्राफर का जॉब होता है, इस तरह के इमेजेस को ग्लैमरस तरीके से शूट करना और अपने क्लाइंट को डिलीवर करना। इस काम में भी अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है तो बिलीव मी, आपको थ्रू आउट द ईयर आप बिज़ी होते हैं इस तरह के असाइनमेंट शूट्स करने के लिए। सो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। इसके बाद हम चलते हैं अगली कैटेगरी यानी कि ज्वेलरी फोटोग्राफी की तरफ। काफ़ी सारे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं,
उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, कोई भी नया डिज़ाइन आया ज्वेलरी का, सो दे ऑलवेज गो फॉर अ न्यू शूट। सो चाहे वो एजेंसी उनके लिए काम कर रही है, वो डिज़ाइन कर रही है, या वो सीधे फोटोग्राफर्स को, फैशन फोटोग्राफर को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये जो भी सारा वर्क प्रोफाइल है, ये भी एक फैशन फोटोग्राफर को अच्छे से डिज़ाइन करना, ज्वेलरी को मॉडल्स के साथ में शूट करना, फिर उनके डिज़ाइन को अच्छे से हाईलाइट करना अपने पिक्चर्स के अंदर, ये सारा जॉब भी फैशन फोटोग्राफर का होता है। अगर आप एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर हैं तो आपको पता होता है कि मुझे ज्वेलरी को किस तरह से डिस्प्ले करना है मॉडल्स के साथ में, अपनी लाइटिंग को कैसे ध्यान में रखना है, अपनी चाहे आपकी इमेज रिटचिंग हो शूट के बाद में, वो सब कैसे ध्यान में रखना है, तो ये सारा भी आपके ही प्रोफाइल में आता है। तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है जहाँ आप एक अच्छा स्कोप देख सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए। उसके बाद हम चलेंगे अगली कैटेगरी पे, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, और काफ़ी सारे फैशन फोटोग्राफर्स चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों या पॉलिटिशियंस हों या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि जिन्होंने सोसाइटी में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, उनके वो लोग रेगुलरली पोर्ट्रेट शूट करते रहते हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग जो कि नॉर्मल लोग हैं हमारे और आपके जैसे, वो लोग भी अपने पोर्ट्रेट शूट कराते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी कैटेगरी है जहाँ पे एक अच्छे फैशन फोटोग्राफर्स हैं, आप वहाँ इस तरह का काम आप अपने अपने प्रोफाइल के अंदर आप ला सकते हैं, अपने वर्क एरिया के अंदर। तो इस तरह काफ़ी सारा वर्क है। उसके अलावा हम बात करेंगे एडिटोरियल वर्क की, काफ़ी मैगजीन्स हैं जो एडिटोरियल वर्क के लिए अच्छे फैशन फोटोग्राफर के वो सर्च करती हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं जहाँ आप अपना एक अच्छा करियर भी देख सकते हैं और आपको इतना सारा वर्क है करने के लिए। सो अगर आप फुल टाइम करियर ले रहे हैं एज अ फैशन फोटोग्राफर, सो ये सारे काम जो हैं वो आपको रेगुलरली करने होते हैं। तो अगर आप ये सारे चैलेंजेस ले सकते हैं, अगर आप इस तरह के काम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा करियर है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, चैलेंज हर एक करियर में होता है, वो यहाँ पर भी है, बट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट फैशन फोटोग्राफी, इफ़ यू लव फोटोग्राफी, देन दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क फॉर यू। तो चलिए, मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया, अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है किसी ने, इनका सवाल ये है कि हाउ मच यू कैन अर्न बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर। ये पूछ रहे हैं कि अर्निंग कैसी होती है फैशन फोटोग्राफर्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हैं, बट इसका मैं कोई आपको फिक्स जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस वर्क, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, लाइक आप किस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, या आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का टोटल बजट कितना है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर जो आपकी अर्निंग्स को डिसाइड करते हैं। सो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जनरली कोई भी फैशन फोटोग्राफर है, पर डे का 25,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़, 2, 3, 4, 5 लाख रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अगेन ऑन द प्रोजेक्ट, बजट कितना है उसका, किस तरह के टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छी अर्निंग है फैशन फोटोग्राफर्स की, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं नई नई जगह पे, काफ़ी सारे नए नए लोगों को मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग करियर, बट अगेन आपकी जो अर्निंग्स हैं वो डिपेंड करती है आपके क्वालिटी ऑफ वर्क पे, अगर आपकी, और दूसरी चीज़ आपकी मार्केटिंग स्किल्स पे भी। तो ये दोनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अर्निंग्स अपनी बढ़ानी है। सबसे पहले आपको अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस करनी है क्वालिटी वाइज, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, और दूसरा आपको अपनी मार्केटिंग पे बहुत काम करना है। सो अगर आप ये दोनों काम अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो इस सवाल का भी मैंने आपको अच्छा जवाब दे दिया है। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने आखिरी सवाल की ओर। ये मुझे पूछा है वापस राजस्थान से, किसी ने पूछा है, काफ़ी आई थिंक वीडियो राजस्थान में काफ़ी देखा जा रहा है। ये इन्होंने पूछा है कि सर, डू यू प्रोवाइड एनी क्रैश कोर्स और फुल टाइम कोर्स और वर्कशॉप्स। देखिए, यस वी डू, हम लोग क्रैश कोर्स और वर्कशॉप्स रेगुलरली करते हैं, बट ये एपिसोड उसके लिए नहीं है। उसके लिए मैं आपको नया एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए डिटेल्स, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर इस पर डिस्प्ले होगा वीडियो के एंड में, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक नोटिफिकेशन का एक बेल सी आती है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो जब भी हम कोई नया वीडियो रिलीज़ करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके मोबाइल पे कि हमारा नया वीडियो रिलीज़ हो गया है।
सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जल्दी हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ. आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.